इधर मंदसौर से एक खबर है जहां मंडी में फिर किसानों का प्रदर्शन हो रहा है। कृषि उपज मंडी के बाहर किसानों ने चक्का जाम किया है। मंडी में व्यापारियों की नीलामी नहीं होने के कारण आक्रोशित हुए हैं किसान। मंडी पहुंचे विधायक ने एसडीएम और मंडी प्रशासन के साथ की बैठक और जल्द निराकरण का भरोसा दिलाया है। किसानों के आक्रोश को देखकर मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे, हमारे सहयोगी कमलेश मोदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत संवेदनशील क्षेत्र किसानों के मामले में, कमलेश क्या कुछ रहा है हम सब जानते हैं। ऐसी स्थिति में एक बार फिर आक्रोशित किसान, फिर बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद, क्या कुछ हो रहा है इस वक्त वहां पे? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से 2 दिन की छुट्टी थी और उससे पहले भी व्यापारियों ने यहाँ पर जो है हड़ताल की हुई थी, उसके बाद में प्रदेश की सबसे बड़ी मंडी कही जाती है लहसुन मंडी मंदसौर की मंडी में से ठहरे। इस वक्त किसानों का जो आज सुबह से हंगामा चल रहा है। यहाँ पर व्यापारियों ने आज कुछ अनियमितताओं को लेकर ज्ञापन दिया था, नीलामी नहीं करने को लेकर बात कही थी, जिसके बाद में किसान यहाँ पर आक्रोशित है। आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं, ये किसान यहाँ पर लोग खड़े हैं, किसान से ही बात करते हैं कि आप लोगों का जिस तरीके से यहाँ पर जो है हंगामा चल रहा है और भैया आप जो हड़ताल कर रहे हैं, हड़ताल किस विषय में चल रहे हैं, क्या क्या है आपकी मांगे और क्यों हड़ताल चल रही है, आपने क्यों नीलामी क्यों नहीं हो रही है? सबसे बड़ी हड़ताल व्यापारियों ने हड़ताल करी, ठीक है, उसके बाद किसानों ने हड़ताल करी। जय किसान, जय जवान, जय किसान, भारत माता की, भारत माता की। व्यापारियों ने हड़ताल करी, उसके बाद किसानों ने हड़ताल करी। तो विधायक जी आए, प्रशासन आए, मंडी कमेटी वाले सब आए, सब ने अंदर जाके मीटिंग करी। मीटिंग करके व्यापारियों की समझाई दी थी, किसानों की एक नहीं सुनी। किसान 2 घंटे धूप में खड़े रहे। किसानों का मानना है कि एक तो 800 ग्राम का जो बॉक्स रहता लहसुन का, उसके 1.5 किलो काट रहे, वो नहीं काटे। दूसरी बात, आज शाम के टाइम मंडी चलाने की बोल रहे। किसानों का सभी का यह कहना आज मंडी नहीं चलेगी, क्योंकि वो भाव कम करेंगे। दूसरी बात, प्रशासन अंदर उन्होंने मीटिंग करी, विधायक जी अंदर जाके मीटिंग करके किसानों को ये बात हुई थी, किसानों ने रोड जाम। कितने दिन से आप यहाँ पर, कितने दिन से परेशान हो गए? ये मैं तो प्रॉपर नहीं कहा हूँ, लेकिन ये मेरे उज्जैन जिले के, उज्जैन जिले से आए। कितने दिन हो गए? 4 दिन हो गए। तो आज क्या आप पूरी तरीके से मंडी नहीं चलने देंगे या क्या प्रशासन ने? वो आज अगर हमें समय पर नहीं मिलेगा, अगर समय पर मिलता है तो ही हम मंडी को यहाँ पर शुरू की जा रही है। मेरे साथ तो कुछ और किसान भी है, उनसे ही बात करते हैं। भैया कहाँ से आए आप, क्या पता है आप जो आज मंडी नहीं चलने दे रहे हो, क्या प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया है? तो निश्चित तौर पर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किसान जो है पूरी तरीके से आक्रोशित है, प्रशासन के खिलाफ यहाँ नारेबाजी हो रही है। उनका सरासर आरोप है कि विधायक जो है यहाँ पर आए थे, उन्होंने यहाँ पर अधिकारी के साथ मीटिंग करी, मगर मीटिंग सिर्फ एक किसान के साथ में करी, सामूहिक किसान के साथ में मीटिंग नहीं करी। इसको लेकर किसान यहाँ पर काफी आक्रोशित है। साथ ही मंदसौर के शहर कोतवाली नई आबादी लाइन पुलिस लाइन से सारी भारी पुलिस बल जो है उसको मंडी में लगाया जा चुका है। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका कमलेश। तो आपको बता दें कि मंदसौर से खबर है, सबसे बड़ी मंडी प्रदेश की, जहां पर एक बार फिर से आक्रोशित हो गए हैं किसान। पुलिस बल सुरक्षा के लिहाज से वहां पर मौजूद है।